अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओवरहेड्स कॉस्टिंग की। अब ये इतना सीरियस मैटर है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जितना भी बार रिपीट करूं कि इतना सीरियस है, इतना सीरियस है, इतना सीरियस है, वो रिपीट करना शायद लिमिट आ जाए। लेकिन जितनी नीड है उतनी इंटेंसिटी से मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना सीरियस मैटर है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो ई कॉमर्स में बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो मैं नोट कर रहा हूँ दराज पे कर रहे हो, चाहे वो शॉपिफाई पे कर रहे हो, चाहे वो कैसे भी कर रहे हो, चाहे वो कॉमर्स पे कर रहे हो, वो इन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं कर रहे। फिर हो क्या रहा है कि जो बंदा 2 लाख रुपए लेके उतरा है, 2 महीने बाद खाली हो रहा है, 3 महीने बाद खाली हो रहा है, कोई 10 लाख लेके उतरा है, कोई 5 लाख लेके उतरा है, कोई 20 लाख लेके उतरा है। आहिस्ता आहिस्ता वो रोलिंग इतनी नज़र आती है उनको कि इतने ऑर्डर्स हैं, इतना मार्जिन है, इतना ये है, और उनका जहन में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। आहिस्ता 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 कैपिटल कम होते 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 वो ख़त्म हो जाता है, उनको समझ में नहीं आती कि लॉस हुआ कहाँ पे। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ आपको, और इसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद मेरे जहन में अभी ना आ रही हो, क्योंकि मैं रिटेल के चैप्टर से काफ़ी टाइम से आउट हूँ। लेकिन जो जो मेरे जहन में आ रही है, मैं वो आपको लाजमी आपका जहन उस पर क्लियर कर दूं कि एक्सपेक्टेड कॉस्टिंग्स आप लोग नोट नहीं करते हो तो मेजॉरिटी लॉस कर रही है। मेजॉरिटी जब लॉस कर रही है तो मेजॉरिटी वो रेट प्रोवाइड कर रही है एट द एंड फाइनल रिटेल रिटेल प्राइस पे जो रेट पॉसिबल नहीं है। और मेजॉरिटी ये कहानी बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट उठाया जिसकी आपको मार्केट से रेट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट सपोज 1000 रुपये। ये 10:1 का रेशो होगा कि इसकी सिंपल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूं कि इन्वेंट्री जो स्टक होगी उसका मतलब क्या है, तो कितना कैपिटल आपका पास होना चाहिए इन्वेंट्री स्टक करने के लिए, और 10:1 का रेशो कैसे चलेगा। 10:1 का रेशो ऐसे होगा कि अगर आपको रोज़ाना कोरियर की तरफ से 1 लाख रुपए की शिपमेंट्स वो डिलीवर कर रहा है आपकी, तो ओवरऑल 10 लाख का माल आपका बाउंड होगा। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? रोज़ाना 1 लाख रुपए की शिपमेंट्स डिलीवर हो रही है, इसका मतलब 10 लाख रुपए का माल आपका जो एसेट है वो आपके हाथ में नहीं है, वो कोरियर के हाथ में है, और उस पर से वो रोज़ाना 1 लाख रुपये का माल डिलीवर कर रहा है। और ये साइकिल इस तरह से अगर मेंटेन रहता है तो आपको 10 लाख का सिर्फ कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा 1000 रुपये वाले आइटम के, जिसमें दिन का 1 लाख रुपये का आइटम डिलीवर हो रहा हो। मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ कि एक आइटम है उसकी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल आइटम जो आपने सोर्स किया उसकी कॉस्ट 1000 रुपये की। अब 2000 का आप बेच रहे हैं, जितने का ही बेच रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हम जस्ट सपोजिशन कर रहे हैं। सही, आइटम की कॉस्ट है 1000 रुपये, पर डे ऑर्डर आ रहे हैं उसके फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। पर डे ऑर्डर में आपके पास जो है वो कितने दिन आप चलाते हो इसको, आप चलाते हो साइकिल कितने दिन का आपने कैपिटल रखा हुआ है, आपने कितने दिन का कैपिटल साइकिल निकालना है, डेज ऑफ कैपिटल, मतलब आपके जेब में कितने दिन के पैसे होने चाहिए। आप चाह रहे हो 10 दिन का मालूम करूं, तो इसको हम यहाँ पे रिजल्ट ले आएंगे, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो 1000 रुपये वाला आइटम कि दिन में 10 ऑर्डर अगर आपने डिलीवर करने हैं, तो आपकी जेब में 10 दिन का साइकिल चलाने के लिए, 10 दिन तक मतलब अगर आप साइकिल कंटिन्यू रखें इतना, तो 1 लाख रुपया होना चाहिए। वरना कभी आपको ऑर्डर रोकने पड़ेंगे, कभी डिले करने पड़ेंगे, कभी आपको कैंपेन्स रोकनी पड़ेंगी, उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे फ़र्क आएगा, तो ये अच्छी खासी अमाउंट आपकी बन जाती है। तो अगर आप तो आइटम की कॉस्ट आपकी जो है 1000 की बजाय 500 हो जाती है, तो 50,000 हो जाएंगे। फिर आप 500 वाले आइटम पे 20 दिन का कैपिटल 10 दिन के हिसाब से आप रखना चाहते हैं अपने पास कि 20 दिन का साइकिल में चला सकूं, तो आपके पास फिर 1 लाख रुपये होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो साइकिल 10 दिन का चलेगा ज़्यादातर, लेकिन आप 10 दिन का आप जहन में रखें। और पर डे ऑर्डर अगर 20 हो जाते हैं 10 से, तो 2 लाख रुपए हो जाते हैं। पर डे ऑर्डर 5 है तो 25,000 रुपए हो जाते हैं। तो इस तरह से ही आइटम की कॉस्टिंग अच्छी खासी आपने अपनी जेब में इसकी अमाउंट रखनी है। अगर आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं चाहिए होगी। जैसे काम बढ़ेगा वैसे इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी,
और फिर आगे जाके जब वो प्रोडक्ट आपका मे भी सेल होना बंद हो जाए, मे भी उसके ऑर्डर गिरना बंद हो जाए, मे भी वो नो मोर ट्रेंडिंग भी हो, बहुत सारे आइटम आप लोगों के सामने हैं। अगर जो लोग काम कर रहे हैं, जो आइटम आज से हफ्ता पहले 1200 रुपये का था, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, महीना पहले 1200 रुपये के आते थे, ये फुट मसाजर, बटरफ्लाई मसाजर 1000-1500 रुपये के, अगर आप लोगों को प्रोडक्ट के नाम जहन में आ रहे हो, अब ये 350-400 में भी कोई नहीं पूछ रहा, 350 में बार्गेनिंग हो रही है, 400 में बार्गेनिंग हो रही है, क्वांटिटी के रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने उस टाइम उठा लिया 1200 रुपये का, महीने बाद जो है वो आपके पास वो स्टॉक हुआ हुआ उसका, और वो आ गया वो रेट उसका 400 रुपये पे, तो आपकी एक तो इन्वेंट्री फंसी, इन्वेस्टमेंट फंसी, और वो खर्चे अलग, उसको तो मैंने अभी इस लिस्ट में डाला नहीं, ये वाले मसले को ना। इस तरह और भी बहुत सारे मसले होंगे जो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है, डरना नहीं है ऐसे, डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप फैसला सही करेंगे, सही फैसला करेंगे तो बड़े कॉन्फिडेंटली बिजनेस करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी इस चीज़ को अवॉइड करती है और फिर एट द एंड उनको नहीं समझ में आता उनका लॉस कहाँ पे हुआ, ठीक है। दूसरा बड़ा इशू क्या होगा आपके साथ, हो सकता है जो पॉसिबिलिटी है कि आप एक आध पार्सल का रिटर्न लॉस्ट होने का या लॉस इन्वेंट्री का, एक आध दोनों को मिला के 100 में से 1 आध का आप जहन में रखो, ठीक है। अब लेट सपोज 500 रुपये वाला आइटम है और आप महीने में जो है वो मंथली आपके जो है वो कितनी शिपमेंट्स हो गई, पर डे ऑर्डर 10 अगर हैं, मंथली शिपमेंट्स हो गई आपकी 3000, ठीक है। 3000 में आप जो है एटलीस्ट 2-3 आप ऑर्डर जहन में रखो कि रिटर्न इसका आगे पीछे हो सकता है, 2-3 तो कम, बहुत कम से कम बता रहा हूँ, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो लॉस्ट इन्वेंट्री और रिटर्न इन्वेंट्री, मतलब 2-4 ऑर्डर आप इसके जहन में रखो तो आप एटलीस्ट 2 या 3000 रुपये आप इसके अपने जहन में रखो कि ये आगे पीछे होंगे, इसको इन्वेंट्री शिपमेंट लॉस हो जाएगी, कोई गायब हो जाएगी, कोई राइडर से चोरी हो जाएगी, क्लेम के लिए आप कोरियर से लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कब हो नहीं हो कुछ नहीं कह सकते आप, ठीक है। उसके बाद ये आपकी इन्वेंट्री आगे पीछे होगी, इसमें डैमेज भी आएगा, डैमेज इसमें भी नहीं डाल रहा हूँ मैं, डैमेज का अलग से डाल रहा हूँ। ये वो केसेस होंगे जिसका रिटर्न गायब होगा, रिटर्न गायब होने का मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कोरियर कंपनीज में आप नाम नहीं ले सकते क्योंकि कोर्स में पब्लिक करूँगा, तो प्राइवेट में कोई मुझसे अगर कभी आमना सामना हुआ तो मैं उसको ज़रूर बता दूंगा और हमारे स्टाफ को भी पता होता है जो जो हम काम कर चुके हैं कि कुछ कोरियर कंपनीज में रिटर्न मिस होने का एक्सट्रीमली हाई रेशो होता है और कुछ में ना होने के बराबर होता है। तो डिपेंड करता है आप किसके साथ काम कर रहे हो, उसमें आपने मकसद बताने का यहाँ पे जो आउटकम आपने लेना है वो ये कि आपने प्रॉपर हिसाब रखना है एक एक ऑर्डर का। अगली वीडियो में शायद हम उस पर टॉपिक पे डिस्कस करें, जो हम फाइनल क्लोजिंग की वीडियो अगर बनाएं तो एक एक ऑर्डर का आपने हिसाब रखना है और एक एक ऑर्डर आपने मार्क करना है कि रिटर्न रिसीव्ड हो गया, मतलब एक ऑर्डर जो स्टार्ट हुआ या तो वो डिलीवर्ड होगा या रिटर्न होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए एट द एंड मंथ एंड पे एक एक ऑर्डर का कि कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हुए और कितने ऑर्डर ऑफिस में वापस आपके हाथ में पहुंच चुके हैं, कोरियर पर रिटर्न मार्क होगा वो नहीं, आपके हाथ में कितने आ गए, और फिर जो नहीं आया है उसका आपने ऑडिट करना है और वो लॉस आपने काउंट करना है और कहाँ कितना लॉस आ रहा है। हो सकता है आपको आइडिया हो जाए कि इस कोरियर कंपनी को अगर मैं सिर्फ चेंज कर दूँ तो मेरा इतना नुकसान बच सकता है, और ये तजर्बे से आएगा और तजर्बे की बेस पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आसान काम में बड़ा किसी को भी बोल देना कि फलाने से इन्वेंट्री उठा लो, यहाँ से उठा लो, वहाँ से उठा लो, इतना आसान नहीं होता। पैकेजिंग में आपको बताता हूँ खर्चा है क्या, पैकेजिंग में आपका जो है बबल रैप पड़ेगा आपको तकरीबन 4000 से 5000 तक का एक रोल पड़ेगा, और इसमें तकरीबन शिपमेंट्स आपकी कवर होंगी 15 रुपये के हिसाब से ये कवर होती है, मेरे ख्याल से 10-15 रुपये पर शिपमेंट आपका बबल रैप लगता है। तो अगर हम 4000 / 13 रुपये भी करें तो 307 शिपमेंट्स आपकी कवर होंगी, तकरीबन 13 रुपये 15 रुपये पर पार्सल आप सिर्फ बबल रैप का लगाओगे, मेरी बात सुन रहे हो, 15 रुपये पर पार्सल आपका सिर्फ बबल रैप पे आराम से स्पेंड हो जाएगा, डिपेंडिंग बहुत सारे फैक्टर्स में भी हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे कम लगता है, कुछ पे ज़्यादा लगता है। मैं एवरेज टीवी आइटम, चाइना आइटम, शॉपिफाई आइटम, वर्डप्रेस के जो ये कैंपेन वाले आइटम हैं उनकी ओवरऑल जो हमारा एवरेज बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और ये बल्क में शायद आपको बबल रैप का रेट का क्या मिले, सिटी टू सिटी भी डिपेंड करेगा, हो सकता है कराची में सस्ता हो लाहौर में महंगा हो सकता है, लाहौर में सस्ता हो फैसलाबाद में महंगा हो, आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, उस प्रोडक्ट का वो क्या है। नॉर्मली जो 1/2 kg, 1 kg के पार्सल होते हैं और उसमें जो एवरेज आपका बनेगा वो 15 रुपये आपका एप्रॉक्स बन सकता है। अब आपका प्रोडक्ट बड़ा है तो ये 20-25 रुपये भी जा सकता है, आपका प्रोडक्ट छोटा है तो हो सकता है उसको जरूरत ही ना इस्तेमाल करने की, कपड़े का प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल
कपड़े हैं आपके पास, उसमें बबल रैप का आपका कॉस्टिंग ही नहीं है, तो प्रोडक्ट हैंड करते हुए ये सारी कॉस्टिंग भी आपने देखनी है। इसके बाद बबल रैप के बाद आपकी लगनी है टेप, कैंची, लेबल, शिपिंग लेबल, और शिपिंग लेबल के बाद आपकी ह्यूमन रिसोर्स, टाइम जो भी है वो सब लगता है। तो पैकेजिंग की सिर्फ अगर रहते हुए बात करें तो इसके बाद अगर आप शू साइज़ बॉक्स सिंपल लेते हो तो 30 से 40 रुपए का शू साइज़ बॉक्स है, सही है। फ्लायर आपको पड़ता है नॉर्मली किस रेट पे पड़ता है इसका मुझे आइडिया नहीं हो रहा, ये मेरे ख्याल से 900 रुपए केजी है, 800 900 700 से 1000 रुपए के दरमियान पर केजी का हिसाब होता है। अब पर केजी में अलग अलग साइजेज हैं, स्मॉल मेरे ख्याल से 8x10 का होता है, मीडियम भी ऐसे ही वो साइज होता है, लार्ज होता है, फिर उससे भी बड़े होते हैं, बहुत सारे साइजेज हैं। 8 से 10 वाले जो आपको पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 900 रुपये पर केजी पड़ता है तो आपको इसमें मिलेंगे तकरीबन 100, तो तकरीबन 7-8 रुपये का सबसे छोटा फ्लायर पड़ेगा आपको, 7-8 रुपये का, और 10-12 रुपए का उससे बड़ा, 13-14 रुपए का उससे बड़ा, मतलब इस तरह का आपने 10-12-15 रुपए फ्लायर के भी ऐड करने, तो 20-30 रुपए तो आप यहीं पहुंच गए, सही है। उसके बाद टेपिंग वगैरह ये लगाओगे, और कुछ कुछ पार्सल ऐसे होंगे जो बॉक्स में जाएंगे, बॉक्स और महंगा होगा, 40-50 रुपए का हो सकता है आपको एक बॉक्स पड़ जाए, 30 रुपए का पड़ जाए, अगर साफ सुथरा अच्छा क्वालिटी का बॉक्स लोगे, हल्के आगे पीछे इधर उधर से पुराने यूज बॉक्स उठाओगे तो भी आपको वो भी सस्ते नहीं पड़ेंगे, लेकिन इससे सस्ते पड़ जाएंगे। क्या रेट पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द बॉक्स टाइप, डिपेंडिंग ऑन द बॉक्स साइज, डिपेंडिंग ऑन दी जो है वो क्वालिटी ऑफ द बॉक्स, और डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन कि आप कहाँ से परचेज कर रहे हो या आप कहाँ के रिहायशी हो और किस तरह के लोगों से परचेज कर रहे हो, किस मार्केट से परचेज कर रहे हो, क्योंकि उसका कोई फिक्स साइज या फिक्स रेट ज़्यादा नहीं मिलेगा, हर जगह आपको अलग ही कहानी मिलेगी। तो एवरेज आपने 35 से 40 रुपये या 30 रुपये मरे से मरा 30 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है वो 40 रुपये या 50 रुपये तक आप कान ले जा सकते हो। एवरेज आप 40 जहन में रख सकते हो कि आपका पैकेजिंग का एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट आप हैंटिंग करते हुए आपने देखना है कि वो शीशे के तो नहीं है, इसमें मिरर चीज़ें तो नहीं है, उसमें कोई नाजुक चीज़ें तो नहीं है, कुछ जूसर ब्लेंडर्स में इसमें बहुत नुकसान होता है अक्सर, अब लोग दूसरे ब्लेंडर में देखते हैं कि मार्जिन ज़्यादा है, उसको उठा लेते हैं, काम करते हैं, काम करने के बाद जब उसमें डैमेजेस निकलते हैं फिर उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कवर करते 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 वो अच्छा खासा नुकसान कर जाते हैं। अब ये डिपेंडिंग टोटल ऑन द कि आपका किस तरह का आइटम है, किस तरह पैक कर रहे हो, किस तरह का कोरियर यूज़ कर रहे हो, किस तरह आप भिजवा रहे हो, किस पे कितना खर्चा कर रहे हो, कितना आप नोट कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि आप प्रोडक्ट हैंड करते हुए अव्वल तो कोशिश करें कि सेंसिटिव या जो फ्रेजाइल आइटम है वो कम से कम हो, अगर है तो आप उसकी पैकेजिंग पे एक्सपेंस ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हो, अगर उसके बाद भी आप 2-4 कंप्लेनों के रिफंड हाथ के हाथ करने की बर्दाश्त रखते हो तो आप वो प्रोडक्ट चलाओ, वरना वो प्रोडक्ट अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स का जो है वो आपको मामला होगा कि इसमें आपका कैपिटल स्टॉक होगा, लेट्स सपोज, अब ये अगली दिन की शीट में शायद हमें ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाए कि ये हम कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न्स जो है वो आपका जो है वो 20% है, सही है। महीने की आपने 3000 शिपमेंट्स भेजी, ठीक है, 20% ऑफ 3600 शिपमेंट्स आपकी जो है वो रिटर्न आ गई, पर आइटम की कॉस्ट कितनी थी 500, ठीक है। टोटल इन्वेंट्री आपके हाथ में कितनी स्टक हो जाएगी अगर आप महीने बाद कैंपेन रोकते हो और ये इतनी इन्वेंट्री आपके हाथ में आ सकती है, मैक्सिमम बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारी आप दोबारा भी डिस्पैच करोगे, लेकिन अरे क्या हिसाब लगा दिया मैंने, ₹500 प्रोडक्ट की कॉस्ट थी और 600 पीस थे, तो सही लगाया। अब 500 में भी अगर आप लेट्स सपोज 10 दिन के रोलिंग पे चल रहे हो तो इसका हम जो है वो 10% निकाल लेंगे या कुछ भी निकाल लेंगे, लेकिन आप इसको जहन में रखो कि 500 ऑर्डर रिटर्न होंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 300, 350, 400 आप जो है रिटर्न वाली पुरानी इन्वेंट्री से निकाल दोगे, लेकिन एट द एंड जब आप कैंपेन रोकोगे तो वापसी जो माल आएगा उसमें फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट आपके अगर पड़े हुए हैं तो 500 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके एटलीस्ट 50,000 यहाँ पे स्टक होने वाले हैं।
इसमें भी आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, कुछ लॉस डैमेज में भी जा सकता है, कुछ आगे पीछे भी जा सकता है, अब ये इन्वेंट्री स्टक होगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे चुका हूँ, रेट मार्केट में ऊपर नीचे होने में टाइम नहीं लेता, तो मे बी आपका स्टॉक स्टक हो जाए, मे बी। इसमें आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आजकल चल रहा है वो पोर्टेबल एसी चल रहा है, जिसमें इशूज़ भी हैं कुछ कुछ, अच्छी क्वालिटी के भी शायद हैं। तो अब वो आपने इस सीज़न में काम शुरू किया, कोरियर से रिटर्न आने का टर्नओवर टाइम 5 से 20 दिन तक है। और अगर आप बड़ी नंबर ऑफ शिपमेंट से काम कर रहे हो, तो आप माइनर केसेस, जैसे लॉस के माइनर केसेस आपको मिलेंगे, माइनर चीज़ें और मिलेंगी, तो माइनर केसेस में आपका ये टर्नओवर कुछ ऑर्डर्स का 1 मंथ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि वो कहीं फंस जाएंगे, कुछ होंगी, फिर आप कंप्लेनें करेंगे अपनी, जो रिटर्न की इन्वेंट्री मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि इतने पार्सल रिटर्न नहीं मिले, आप क्लेम करोगे तो वो आगे से फिर मिलेंगे। तो ये इश्यूज आपका वहाँ पे आपने नोट करना है लाजमी, और आपको तकरीबन इसमें भी आपकी इन्वेंट्री स्टक हो सकती है, तो इन्वेंट्री उठाना आसान काम नहीं है, सही है। और उसके बाद फिर आप मार्केट में अगर ये इन्वेंट्री दोबारा दुकान वालों को बेचने जाएंगे, तो इसका डब्बा दबा हुआ होगा, इसकी बाकी चीज़ें दबी होंगी, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट को वो अगर नहीं देता, 500 की बजाय 400 देता है, तो भी 10,000 का सीधा सीधा एक्सपेंस आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये तो यहाँ होगा जी के आपके खर्च हो सकते हैं। उसके बाद आपको जहन में रखना है डेली का, ये दोनों पॉइंट हम जो है वो एक साथ काउंट कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। आप सोर्सिंग कहाँ से कर रहे हो, वहाँ से आपका डिस्टेंस क्या है, आप पैकेजिंग कैसे कर रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, रिक्शे पे जा रहे हो, किस पे लाना पड़ रहा है, जब पार्सल ज़्यादा हो तब किस पे लेके आ रहे हो, तो ये सारे खर्चे आपने अलग से काउंट करना है। इसका मैं कोई स्पेसिफिक फिगर आपको नहीं दे सकता, ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस सिनेरियो में काम कर रहे हो और किधर से सोर्स कर रहे हो, कहाँ तक लेके जा रहे हो, कैसे उसको हैंडल कर रहे हो, तो उसमें आपकी सारी ह्यूमन रिसोर्स भी लगेगी। अगर आपने कोई बच्चा रखा हुआ है, कोई राइडर रखा हुआ है, या खुद जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सारी रिसोर्सेज आपने काउंट करनी है, फिर आपने सारा फ्यूल काउंट करना है, ये सब चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। इसके बाद आपने एक और चीज़ बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती और बड़ी शार्प माइंडेड होकर आपने कैलकुलेशन रखनी है, वो ये कि कोरियर चार्जेस में अक्सर लोग देखते हैं कि हमें जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनको मिला 140 रुपीज़ उनको मिला है फर्स्ट केजी का, या हाफ केजी का उनको मिला है लाहौर का, ठीक है। अब वो बड़ा खुश होते हैं कि 140 रुपये में पार्सल जा रहा है, और नेट पे भी वावेला कर रहे होते हैं, हमें रेट कम मिला है, आगे पीछे रेट ज़्यादा है, ये वो, तो होता क्या है, मैं आपको कहानी समझा देता हूँ थोड़ी सी, और ये आपने नज़र रखनी है, ठीक है। अब ये मैंने कोरियर का पोर्टल खुला हुआ है, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस अकाउंट पर हमें जो है लाहौर का हाफ केजी की शिपमेंट जो 0.3 है, 0.4 हो, 0.5 के नीचे नीचे होगी तो हाफ केजी में जाएगी। हाफ केजी का स्लॉट भी आपको बार्गेन करके ओपन कराना पड़ेगा, वरना पहला रेट आपको 1 केजी का मिलेगा। ये बात भी याद रखिएगा कि बार्गेन करना है कि मुझे हाफ केजी का रेट दो और हाफ केजी का कम दो 1 केजी से, ताकि जितनी हाफ केजी की शिपमेंट से उस पर 1 केजी ना चार्ज हो, उस पर हाफ केजी चार्ज हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको उसमें वेट चार्जेस फॉर एग्जाम्पल 120 बढ़ रहा है, और उसके बाद ये फ्यूल सरचार्ज है और ये GST है, इसका टोटल होके कितना बन रहा है 146। अब क्या हुआ, अगर आप ये टोटल अपने पास नोट करोगे अपने हर ऑर्डर में, तो आप गलती करोगे, समझ में, गौर से समझना मेरी बात, अगर आप ये वाला टोटल नोट करोगे तो आप गलती करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक जो इल्यूजन है, या एक जो मिसलीडिंग सी थोड़ी सी चीज़ है, वो ये कि आपका जो ये वेट चार्ज है उसमें ये 26 रुपये ऐड करो, और उसमें जो हाँ ये वेट चार्जेस है इसमें ये 26 ऐड करो, बाकी जो और चार्जेस भी इस पे नज़र रखो, कभी कभी आपका आउट सर्विस एरिया आप लोग मज़े से बोलते हो ये टाइम का, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे हो सकता है चार्जेस एक्स्ट्रा लग रहे हो, सही है। उसके बाद अगर ये 120 में आप 26 ऐड करो, कितना हो जाता है 146। इसका मतलब इस 146 में ये GST ऐड नहीं है, ये जब आपकी इनवाइस बनती है अलग से उसमें फिर ऐड होता है, और ये फिर एडजस्ट होता है, तो आपको 146 प्लस 19 165, जस्ट हाफ केजी की शिपमेंट 165 की आपको लाहौर में इस इधर रेट दिख रहा है, ठीक है। और ये 164, 1 केजी, हाफ केजी से थोड़ा सा ऊपर हुआ, 0.6 पे गया, कितना हुआ, क्योंकि तो मेरे ख्याल से रावलपिंडी की शिपमेंट है, तो आपको ये पड़ रही है, आपको लग रहा होगा 164 की पड़ रही है, लेकिन 164 की नहीं पड़ रही, 174, 184, 185 रुपीज़ की
ये शिपमेंट पड़ रही है, और ये सब हाफ के जी 1 kg मेन सिटीज की बात कर रहा हूँ। फिर जो जोन बी और जोन सी और जो रिमोट एरिया, उस पर जो 1 kg की बजाय 2 kg की बजाय 3 kg और ये और वो, तो आपको अच्छा खासा एक्सपेंस लगता है यहाँ पे कोरियर में। आपको धोखा है अगर आपको लगता है कि 150-200 में आप ये पार्सल कवर कर रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, या किसी भी तरीके से आप डेटा सही जज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपने इसको प्रॉपर नज़र रखनी है, उसको प्रॉपर वेरीफाई करना है, और मेरी तरह धोखे में नहीं आना कि आपका ये टोटल चार्जेस है, ये टोटल चार्जेस नहीं है, आपको GST ऐड है। और हर कोरियर को अलग से आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है, इनवॉइसेस मैच करना है, हो सकता है तो किसी फाइनेंस वाले बंदे की हेल्प ले लो अपने साथ, कोई गैदरिंग में हो, कोई दोस्तों में हो जो CA कर रहा हो, जो उस तरह की जो है वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो, स्टडी में इन्वॉल्व हो, वो आपको एक मैकेनिज्म आपके हिसाब से जिस तरह का आपका बिजनेस है आपको बना के दे देगा कि इसको किस तरह से आपने चेक करना है या इसका ऑडिट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी अपनी शिपमेंट्स एवरेज आपको कॉस्टिंग महीने के एंड पे लाजमी आपके हाथ में होनी चाहिए कि मुझे एवरेज कॉस्टिंग जोन वाइज या सिटी वाइज क्या पड़ रही हैं, क्या नहीं पड़ रही हैं, और किस कोरियर से कितनी पड़ रही हैं। अगर आप मल्टीपल कोरियर से काम कर रहे हो तो कुछ आपको सस्ते पड़ेंगे लेकिन वो रिटर्न ज़्यादा देंगे, कुछ आपको महंगे पड़ेंगे लेकिन वो डिलीवरी रेशो ज़्यादा देंगे, और सुकून वाला काम करेंगे। तो इस तरह आपने ये फैसले करने हैं और इन खर्चों को नज़रअंदाज नहीं करना, ठीक है। अब ये कितनी सारी बातें मैं कर चुका हूँ, किसी के जहन में नहीं होती ये बात, किसी के जहन में आती ही नहीं है। जब काम शुरू करते हैं आस्ते आस्ते फिर बोलते हैं लॉस क्यों हो रहा है भाई, ये इतने खर्चे कहाँ गए, वो किसी का ख्याल नहीं। उसको लग रहा है 600 को ले रहा हूँ, 1200 को भेज रहा हूँ, डिलीवर होगा पेमेंट आ जाएगी और जो रिटर्न होगा वापस कर दूंगा, मेरा क्या जा रहा है, तुम्हारा बहुत कुछ जा रहा है तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो दूसरी छोटी जो बड़ी चीज़ मेजोरिटी ये वैसे जहन में रख लेती है, इतना इसका लोगों को वो भूलते नहीं है, वो ये कि डायमेंशन। अब कुछ प्रोडक्ट आपने हैंड किया, फॉर एग्जांपल आपने हैंड किया जो है वो जूसर पोर्टेबल, लेट जस्ट सपोज, ठीक है, आपने ये प्रोडक्ट हैंड किया, आप इसका फॉर एग्जांपल ये बहुत कॉमन आइटम है और अब पता नहीं क्या सीन है इसका, मतलब इसका इतना साइज़ नहीं है लेकिन क्या है इसका डायमेंशन की बात, जो फ्रेजाइल है थोड़ा सा इसका ये अंदर वाला मिरर, जिसमें अक्सर लाइन वगैरह कभी कभी आ जाती है बहुत सारी पैकिंग के बाद भी, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। खैर हमारा भी वो टॉपिक नहीं है, उसको हम कवर कर चुके हैं, हम टॉपिक कर रहे हैं डायमेंशन की बात पे। तो ये आपका 1 kg या 1/2 kg के अंदर आपका निकल जाएगा, 1 kg या 1/2 kg के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रोडक्ट को हैंड कर दिया, क्या कहेंगे जो वेलवेट बेडशीट्स, अब ये सही भारी भरकम बेडशीट्स होती हैं ये। आप अगर फॉर एग्जाम्पल इसका kg आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको वेट किया, इसका वेट आ रहा है 2 kg, ठीक है, लेट जस्ट सपोज आपने वेट मशीन में डाला, मुझे नहीं पता इसका क्या वेट हो सकता है, इससे ज़्यादा ही हो, लेकिन लेट जस्ट सपोज इसका वेट आ रहा हो 2 kg, तो क्या आपको लगता है कोरियर 2 kg चार्ज करेगा इसका? कोरियर वॉल्यूमेट्रिक फार्मूले पे चलता है। वॉल्यूमेट्रिक फार्मूला मैं आपको समझा दूँ क्या होता है, कोरियर इसका 2 kg चार्ज नहीं करेगा, वो हो सकता है इससे ज़्यादा कर जाए। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज ऐसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट का जो बॉक्स है, वेलवेट का जो बॉक्स है, उसकी हाइट है 1 cm से होता था मेरे ख्याल से, ये सेंटीमीटर सही है। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट है 3, 6, 8 inch 2 cm, ठीक है, 20 cm इसकी हाइट हो गई और इसकी लेंथ हो गई फॉर एग्जाम्पल 22 inch फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं रफ डेटा कर रहा हूँ, जैसे आपको समझाने के लिए हो सकता है, रेट आप खुद कैलकुलेट कर लिएगा के 55 आ गया। उसके बाद आपका जो इसकी हमने क्या हाइट विथ और डेप्थ, डेप्थ भी इसकी अच्छी खासी होगी क्योंकि चकोर डब्बा होगा इसका, तो भी वो 55 तक हो सकती है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 5000 से। अब कुछ कोरियर कंपनीज 5000 से डिवाइड करती हैं, कुछ कोरियर कंपनीज 4000 से डिवाइड करती हैं, आप मालूम कर लीजिएगा कि वॉल्यूमेट्रिक का वो कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो 12 kg में जा रही है शिपमेंट, 12 kg में,
हो सकता है अब आप इसके एग्जांपल इस तरह से, कोई रुई है सही है, काटन कॉटन जो होता है रुई, उसका वेट नहीं होता लेकिन उसकी डायमेंशन होती है। तो आप धोखे में नहीं आ जाना, इसका वेट नहीं है तो कोरियर मुझसे वेट नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि उनके पास कंटेनर एक ही है, वो कंटेनर में स्पेस के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो वेट तो प्राइमरी उनका फैक्टर होता है, लेकिन जो इस तरह बड़ी शिपमेंट होती है उसको वो वॉल्यूमेट्रिक पे डालते हैं, बल्कि एक मशीन होती है उनके पास, उसमें डाल देते हैं, मशीन खुद बता देती है कि इसका वो वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से ज़्यादा पैसे बन रहे हैं या केजी के हिसाब से ज़्यादा बन रहे हैं। जिस हिसाब से भी ज़्यादा बन रहे हो उस हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से वो चार्ज करें, अगर इस बड़े डब बॉक्स के कंबल का फॉर एग्जांपल बड़ा बॉक्स है तो 12 केजी तक जा सकता है, और 12 केजी में जाने के लिए भेजने के लिए आपको उनका बिल्टी का जो ओवरलैंड शिपमेंट्स का होता है वो, उसमें आपको कुरियर कंपनी जो है वो 3 केजी, 5 केजी और फिर जो है वो एडिशनल केजी का अलग से पैकेज देती है, जो स्टार्ट हो रहे होते हैं 400, 350, 400, 500 रुपए के, डिपेंड करते हैं आप कितनी अच्छी बार्गेनिंग करते हो और कितना अच्छा काम कर रहे हो उनके साथ। तो वो उसमें ये होता है कि आप 1 केजी का भी ओवरलैंड भेजोगे तो वो बिल्टी तो वो 5 केजी या 3 केजी जो आपका पैकेज है उससे ही चार्ज करेगा, वो 1 केजी नहीं चार्ज करेगा उसमें। और उसमें क्या होता है कि उसमें फिर आपको ये सस्ता पड़ता है लेकिन थोड़ा सा स्लो शिपमेंट जाती है। तो बड़ी शिपमेंट्स भेजने के लिए आपने ओवरलैंड यूज़ करनी है, और वो बड़ा प्रोडक्ट हंड करते हुए आपने डायमेंशन को मद्देनजर में रखना है, क्योंकि डायमेंशन से आपका केजी में फ़र्क आया, केजी से आपके कोरियर चार्जेस में फ़र्क आ जाएगा। तो इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल बना के आप लोगों को मंजन सेदर्स ने समझाया है कि भाई बस ये लगाओ वो लगाओ, ये निकल वो निकल, हो गया काम और आप बन गए बिजनेसमैन। तो बड़े काम के लिए बड़े चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए, तो इन चीज़ों से देख के आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपने हिम्मत बनानी है और कैलकुलेशन करनी है। आपको 10 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, 30 दिन लग रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने में, लगा लो, लेकिन हंट ऐसा करो कि अगला आपको बीट ना कर सके, अगला बीट कर दे भी दे तो आपको घबराना नहीं है, आपने उसको देख के कॉम्पिटिशन में आके अपना नुकसान नहीं करना है। मेजोरिटी जो ये चीज़ कर रहे हैं इधर उधर कॉम्पिटिशन में लगे हुए, वो एट दी एंड आते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, फिर किसी से मशवरा करते हैं कि यार पैसे कहाँ गए मेरे, मुझे नहीं पता लग रहा पैसे कहाँ गए, फिर पैसे आपके इन सब खर्चों में निकल गए और आपने इन खर्चों को सीरियस ही नहीं लिया। ठीक है, तो ये सारे खर्चे आप लोगों ने सीरियस लेने हैं। अब ये जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई नॉर्मल आपका जो भी ई कॉमर्स का आप काम करना चाहें उसमें, लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल में हैं तो उसमें आपने रिटर्न चार्जेस को जहन में रखना है। रिटर्न चार्जेस फॉर एग्जाम्पल अगर आप HSC से काम कर रहे हैं तो 300 रुपये रिटर्न चार्जेस हैं। अब ये रिटर्न चार्जेस क्यों 300 रुपये हैं, ये सारे खर्चे देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ एडजस्ट हो रहा होगा या प्रोडक्ट की प्राइस में एडजस्ट हो रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा होगा। तो आपने उस हिसाब से जज करना है, इसको इस हिसाब से जज नहीं करना है कि कोरियर ने तो यहाँ पे कितना 120 रुपये लिखा हुआ है, वैसे तो बनता है ये भी 180 के करीब है, लेकिन लोग ये देखते हैं कि भाई कोरियर तो इतना चार्ज करता है और ये इतना क्यों चार्ज किए जा रहे हैं रिटर्न के। कंप्लेंस आपने जहन में रखनी है, बहुत सारी कंप्लेन हो सकता है। अच्छा, कंप्लेंस का यहाँ पे भी आपने अपने जहन में रखना है, अपनी जेब में इतना आपने बैकअप रखना है कि कोई कस्टमर कुछ तंग करे, कुछ मास नहीं सुलझ रहा हो, नहीं समझ रहा हो, तो उसके पैसे एक तरह से उसको फेंक के मारो कि यार आप खुश रहो और हमारी जान छोड़ो, हम नहीं रखते किसी की ये इस तरह के दिल में बातें। आप कोशिश करें अपनी जेब में इस तरह का आप इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ये अमाउंट भी साइड करके रखें, ताकि ज़्यादा पंचायत में आपको पढ़ना ना पड़े, वरना फजूल की पंचायतें और बढ़ जाती हैं। अब कंप्लेंट में यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग मॉडल में इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी कंप्लेन ऐसी होंगी जो कस्टमर की तरफ से चिक चिक वाली होंगी कि यार मुझे तो लगा था कि ये बड़ा होगा, ये तो छोटा है। अब वेबसाइट पे साइज़ लिखा हुआ हो, आपने भी शायद बताया हो, और फिर वो बोले मुझे तो लगा था ये वाला, ये ना कि मुझे नहीं लगा था, मुझे लग रहा था, मुझे अपना पर्सनल मतलब चेंज ऑफ माइंड हो गया, कोई रीज़न हो गया, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो उनको ऑपरेट करना ना आ रही हो और वो चीज़ सही हो और वो आपको समझाने के बावजूद ना समझ रहा हो। बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे रूरल एरियाज से आपको, खास तौर पे बहुत जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चलाना नहीं आ रहा होगा, फिर वो बोलेंगे हमें नहीं चाहिए, आप हज़ार उनको समझा दो नहीं सुनेंगे, वो शोर शराबा करेंगे और जो भी करेंगे। तो आपकी जेब में होने चाहिए कि आप इसको, क्योंकि प्लेटफॉर्म को भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो क्योंकि उनकी पॉलिसी के हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर चेंज ऑफ माइंड वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप अपनी जेब से दे सको। तो अपना मार्जिन अगर अच्छा रख के चल सकते हो तो चलो, वरना ना चलो, आसरे पे ना चलो कि यार शायद वाली कहानी ना करो, सारी सोच समझ के कैलकुलेशन करके काम आपने स्टार्ट करना है। तो थोड़ी सी जेब में आपने ये रखना है और बाकी आपने जो है वो कैपिटल रखना होगा एडवर्टाइजिंग का,
फेसबुक ऐड का यहाँ पे हमने वो बात ही नहीं की, वो तो अंडरस्टूड है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट्स 10-10 दिन बाद आएंगी। मैं HSC की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ड्रॉप शिपिंग के लिए, किसी और प्लेटफॉर्म की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अब 10-10 दिन बाद जो है पेमेंट आएगी, तो आपको अपने पास कैपिटल रखना है। अगर आप जो है वो पर डे 2000 पे चल रहे हो, तो आप एटलीस्ट 15-20 दिन का आप कैपिटल रखो, क्योंकि 1 से 10 तारीख तक जो ऑर्डर होंगे उसकी पेमेंट जो है वो 20-23 तक लगेगी। तो एटलीस्ट आप स्टार्ट करो तो 23-25 दिन का आप कैपिटल रखोगे। अगर 2000 पर डे पे भी चल रहे हो, 3000 पर डे भी चल रहे हो, 3000 पर डे चल रहे हो तो 75,000 हो जाते हैं, 2000 पर डे पे चल रहे हो तो 50,000 हो जाते हैं, और 1000 पर डे पे चल रहे हो तो गए बहुत कम लोग अब चलते हैं, तो भी अच्छी खासी अमाउंट है। तो ये आपकी जेब में इतने होने चाहिए ताकि आपका हाथ ना रुके, आपकी रोलिंग चलता रहे, बाकी एडजस्टमेंट सारी होगी। वैसे भी एट दी एंड आपने क्लोजिंग प्रॉपर करनी है कि आपका नुकसान किस वजह से हो रहा है। मेजोरिटी सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रेशो की वजह से मार खा रही है, और बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो है वो शायद आपने नाम भी सुने हो, मैं नहीं लूँगा नाम, मेरी पास अपनी रिपोर्ट्स हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स को हैंडल करने में मारी गई हैं, और पूरे बड़ी बड़ी हंड्रेड्स ऑफ जो बंदों की टीम थी, उन टीम्स का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया और वो फना ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, क्योंकि वो अपने रिटर्न्स हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ये रिटर्न का मामला इतना सीरियस है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट भी सीरियस है, और इसीलिए HSC ड्रॉप शिपिंग भी इसका सीरियस इम्पैक्ट डालता है, ताकि जिसकी गलती है वो फेस करे। क्योंकि अगर इस 300 रुपये को HSC कहीं और एडजस्ट करेगा, किसी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री में, चार्जेस में, किसी और चार्जेस में, किसी टैक्स में, तो जिनका डिलीवरी रेशो अच्छा है वो भी भर रहा होगा बेचारा, उस बेचारे पे जुल्म नहीं करना। तो रिटर्न का जो खर्चा है वो खर्चा है, और इन बातों से आपको मेरी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा, और ये बातों को मजाक नहीं लेना, आपने इसको सीरियस समझना है और काम करके देखना है। काम करके आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, शायद 2-4 खर्चे और निकल आए जो आपने सोचे भी ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको क्लियर कर दी होंगी, और आप इन बातों को सीरियस लेंगे, और काम करने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आप काम करेंगे तो आप मुतमईन रहेंगे, और इसमें फिर आप स्पेस अपना बना के चलेंगे, मार्जिन अपना बना के चलेंगे, और कहानी बन रही हुई तो बनाएंगे, अंधों की तरह नहीं कूदेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।